मैंने भी अपना फैसला सुना दिया है आप लोगों को। अगर आप लोग प्रीत को एक महीने के अंदर अंदर राजी नहीं कर सकते तो इस रिश्ते को भूल जाइए। चलिए चल। उतना ही दर्द आपको अपने दुश्मन के चाकू से भी होगा, तो क्या आप लोग अपने दुश्मन से डरेंगे? दर्द का डर हम फौजियों में नहीं होता। Got that? Yes, yes, sir. Sir. Let's keep moving. It's your lucky day. लगता है आज आप लोग भूखे नहीं सोएंगे। कैसे सर? ये दिख रहा तुम्हें? ये सूरन का पौधा है। सर ये सूरन क्या होता है? किसी को नहीं पता? नहीं। नो सर। चलिए दिखाते हैं। पार्थ एंड दिस टू। ये सूरन का जो पौधा होता है वो इसकी जड़ों में उगता है। आलू की तरह ये भी इस पौधे के रूट्स होते हैं, जैसे आप पका कर भी खा सकते हो। लेट्स होप सूरन बड़ा निकले ताकि हम सबको खाना मिले। सर ये तो बिल्कुल पत्थर जैसे है। हाँ इसे ही कहते हैं सूरन। प्रशांत। यस सर। ना सिर्फ इससे आप लोग आलू की तरह पकाकर खा सकते हैं बल्कि इसकी पत्तियां भी बहुत काम आती है। कैसे सर? इसकी पत्तियों को अगर आप पानी में मिला के पी लो तो आपके बॉडी का किसी भी तरह का पेन या हेडेक जट से दूर हो जाएगा। लेकिन यस गाइस, एक बात याद रखना, अगर इसकी पत्तियां कड़वी हो गई हो तो इसे बिल्कुल मत खाना, क्योंकि उसका मतलब है कि वो पत्तियां जहरीली हो गई है। अंडरस्टैंड दैट? यस सर। यस सर। आई थिंक वी शुड हेड बैक टू कैंप नाउ। यस सर। लेट्स गो। कैडेट्स, लगता है आज की रात एसी में गुजारा करना पड़ेगा। साक्षी सर, इसे धोकर लाओ। जी सर। यस प्रीत। सर मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ? सर सूर्या नाटक कर रही है, वो सब झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल रही थी? सर उसके पैर में कोई चोट नहीं आई है, वो जस्ट नाटक कर रही है, वो फिट और फाइन है। सर आप चाहे तो चल के देख लीजिए। प्रीत आर यू श्योर? यस सर। एक्सक्यूज मी। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे सर 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 आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको जंगलों में जाना पड़ा। सर ये लड़की झूठ बोल रही है, इसके पैर में कोई चोट नहीं लगी है। सर सर इसने मेरे सामने बैठ के डेट्स खाई है। सर सर देखिए। प्रीत तुम मेरी बड़ी होकर ऐसा करेगी मेरे साथ में? सर आपको पता है सबके जाने के बाद मैंने इससे पानी मांगा, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था, इतनी गंदी चोट लगी है पैर में, और इसने मुझे पानी लाने से भी मना कर दिया, पिलाया भी नहीं। और तो और डेट्स मैंने ये खा रही थी और ना मेरे ऊपर लगा रही है। सर इसके बैग में ही रखे होंगे, ये बैग से ही निकाल निकाल के खा रही थी, बैग में ही रखी है ना तूने? सर मैं दिखाती हूँ आपको, कहीं तो रखे होंगे इसने, ये ही खा रही थी सर। सर ये देखिए।
ये क्या है प्रीत? सर स्वे, ये डेट्स मेरी नहीं है सर। सर आप चाहे तो साक्षी और दिया से पूछ लीजिए, मैंने अपनी पैकिंग उनके सामने की थी। सर मेरे पास डेट्स नहीं हो सकती क्योंकि मुझे डेट्स पसंद ही नहीं है। यस सर, प्रीत ने हमारे सामने पैकिंग की थी और उसके बैग में ऐसा कुछ भी नहीं था। और सर ये बात भी बिल्कुल सच है कि प्रीत को डेट्स पसंद नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है तुम दोनों में से कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। सर मैं बताती हूँ आपको, सर ये लोग सब के सब ना एक तरफ हो गए हैं और सब मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ में प्रैंक किया था ना, इसलिए ये लोग सब मुझसे मिलकर बदला ले रहे हैं। सर ये डेट्स मैंने नहीं, इसने खाए हैं, सच में इसने ही खाए हैं। सर सूर्या कितना झूठ बोलती हो तुम, सबके सामने झूठ बोल रही हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? शेम ऑन यू सूर्या, शेम ऑन यू प्रीत। एक तो मेरे पैर में सर बहुत दर्द हो रहा है, एक तो मेरे पैर में इतनी चोट लगी है, इतना दर्द हो रहा है मुझे, और ऊपर से ये मुझे हेल्प करने के बजाय, मुझे सपोर्ट करने के बजाय उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रही है, ब्लेम कर रही है। शेम ऑन यू यार। शट अप, तेरी नाक मैं असली में तोड़ूंगी तब तुझे पता चलेगा। देखा सर, देख लिया आपने इसका रवैया? शट अप बोथ ऑफ यू। ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? अब जब तक तुम दोनों अपने अपने इश्यू सॉल्व करके बड़ीज की तरह कॉपरेट नहीं करते, तुम दोनों ही पनिश रहोगे। एंड दैट्स फाइनल। आज रात तुम दोनों को ही खाना नहीं मिलेगा। देर हो गई, अभी तक आए क्यों नहीं? इनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। राम सिंह, ये मालकिन। राम सिंह रात के 1 बज गए, ये अभी तक घर नहीं आए। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है 9-10 बजे तक घर ना आए हो। तुम्हें कुछ बताकर गए कहाँ जा रहे? राम सिंह ऐसे सर झुका है क्या खड़ा है? जो तुझे पता है बोल दे। राम सिंह उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज बताइए। कुछ बोलते क्यों नहीं राम सिंह? कुछ पूछा जा रहा है तुमसे? मालिक ने मना किया है। क्या क्या मना किया था? हाँ बताने के लिए। क्या बताने के लिए बोल। माँ ये जरूर कोई जोखिम का काम करने गए हैं, इसलिए राम सिंह को बताने के लिए मना किया है। राम सिंह अगर आपको सब पता है तो जाइए ना, जाइए ना, ढूंढ कर लाइए। सोच कह रहे हैं आप? राम सिंह अगर दामाद जी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार तू होगा, ये बात समझ ले तू। माँ जी मालिक की जान हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन हम अपने वचन में बंधे हैं, क्या करें हम? मालिक ने हमसे वादा लिया था कि हमारे आने से पहले किसी को कुछ नहीं बताना है। लेकिन दामाद जी का फोन तो चालू रहता। फोन उसका ऑफ है, मतलब ये कि कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि मालिक मुसीबत में हो।
तो सोच क्या रहे हो राम सिंह? जाओ पता करो, ढूंढो उन्हें। जी मालकिन। हेलो, सो रहा है? मालिक कहाँ है? मालिक का फोन भी बंद आ रहा है यार, घर में सब लोग परेशान है। क्या ठीक है? क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे राम सिंह? क्या बोला वो? वो ड्राइवर गौतम, वो मालिक के साथ जाने वाला था। तो फिर मालिक उसे अपने साथ नहीं ले गए, वो अकेले गए हैं। क्या अकेले चले गए? अरे कहाँ गए, किससे मिलने गए? राम सिंह बोलो, कुछ तो बोलो। मालकिन, मालिक जोगिंदर सिंह के खिलाफ गवाही दिलाने के लिए करतार सिंह से मिलने उसके घर गए हुए थे। मुझे पता था ये ऐसे किसी काम के लिए गए हैं, इसीलिए फोन भी बंद रखा है। मैंने मना किया था इन्हें इस मामले में ना पड़े। जोगिंदर और उसका बेटा ठीक नहीं है माँ, लेकिन ये मेरी बात सुनते ही कहाँ है। मालिक वहां से सीधे पुलिस के पास जाने वाले थे। बस कीजिए, अगर आपने ये सब पहले ही बता दिया होता तो मैंने जाने ही ना देती। माँ, अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो कहीं उन्होंने तो कुछ। राजवाला, फालतू की बातें मत सोच, सब ठीक होगा। दामा जी आ जाएंगे, ठीक है ना? राम सिंह, करतार सिंह का घर देखा है तुमने? जी। अभी जाओ और पता लगा कराओ। जी। सब ठीक। So, cadets, कैसा लगा? यक्स, बहुत गंदा है सर, बहुत ही अजीब है। सारा, इसमें मसाला नहीं है शायद इसलिए, बट इतना बुरा भी नहीं, पी सकते हैं। सारा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, पियो। राइट। लगता है सारा ये भूल गई है कि वो जंगल में है, रेस्टोरेंट में नहीं। बहुत अच्छा, पी लो। तुम्हारी वजह से आज सबको परेशानी है और मुझे भी तुम्हारे कान भूखा रहना पड़ रहा है। अबे यार, तुमने नहीं कहा था सर के पास जाके कंप्लेन करने के लिए? बड़ी चली गई सर के पास कंप्लेन करने के लिए। अब जैसा करेगी वैसा ही भुगतेगी ना। और रियली, अगर तुम इस फॉर्मूले को अपनाती या इस पर चलती ना, तो अब तक तुम नर्क में होती। वैसे तुम लोगों के साथ रहना ना कोई नरक से कम नहीं है। तुम ही हमें को छोड़ के चली जाओ ना। मुझे ना जाना पड़े इसलिए तुम लोगों के रास्ते बना रही हूँ। सूर्य ऑर्डर,
एक दिन ना तू बहुत पछताएगी अपने इसी एटीट्यूड के कारण। हाँ ठीक है, जब पछताएंगे तब देख लेंगे, फिलहाल तो मस्ती कर ले। बहुत जल्द पछताएगी सूर्या हुड्डा। अगर सर को पता चल गया तो जल्दी से फिनिश कर ले, सर ने देखा नहीं, उनका ध्यान नहीं था, इसीलिए तो लेकर आई। सूर्या फॉर यू। मेरे लिए? मेरे इतना कुछ करने के बाद भी साक्षी मेरे बारे में सोच रही है? मेरे लिए क्यों साक्षी? क्यों मतलब? तुम भी मेरे साथ ही कैडेट हो जैसे बाकी हैं। इनफैक्ट मेरे बाकी दोस्तों की तरह ही हो, इसलिए। नहीं साक्षी, आई डोंट डिजर्व योर फ्रेंडशिप। मैं लायक नहीं हूं तुम लोगों की दोस्ती के। मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई ना तुम दोनों को। फिर से शुरू कर दिया ना तूने अपना नाटक नौटंकी बस। साक्षी नाटक कर रही है ये। ललित वो कोई नाटक नहीं कर रही, वो जो कह रही है उसकी आंखों में वही दिख रहा है। चलना यार, माफ कर देना। सॉरी। इट्स ओके। जल्दी से फिनिश कर लो तुम लोग, मैं बाहर जाती हूँ। साक्षी हम्म? थैंक यू। प्लेजर इज माइन। इंस्पेक्टर बादल, इस वक्त क्या काम आ गया? हेलो बादल, अब बोलो। व्हाट? कमाल का बिच्छू था सूर्या, कुछ देर के लिए इसने तुम्हारे पैर को ठीक कर दिया है ना। अब और नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा प्रैंक सिर्फ तुम ही कर सकती हो? यह बिच्छू वाला प्रैंक हमने किया था, तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए और तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए। मुझे साक्षी और प्रीत ने बताया कि तुमने उनसे माफी मांग ली है, इसलिए मैं तुम्हें और पनिश नहीं करूंगा। लेकिन हां सूर्या,
मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए एक वार्निंग जरूर दूंगा। वन मोर प्रैंक एंड आई प्रॉमिस यू विल बी एक्सपेल्ड। रात को कौन आया? देखती हूँ। ओ जगिए, देख भाई कौन है। And that goes for all of you. आज के बाद किसी ने भी प्रैंक किया या फिर कॉपरेट करने से इनकार किया तो वो यहां से बीएमए नहीं, सीधे अपने घर जाएगा। सॉरी। नो मोर प्रैंक्स। No more pranks. Fight. Yes, no more fights. Neeraj ko kaun aaya? देखती हूँ। ओ जगिए, देख भाई कौन है। नमस्ते साहब, आप इतनी रात गए? सब कुशल मंगल तो है? योगेंद्र जी को बुलाओ। ओए, संधि जी आप इतनी रात गए? जी सब ठीक तो है? इस वेले कौन आया पुत्र? इतनी रात गए, आप सब की नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन दरअसल मैं शेरा से बात करना चाहता था। किस बारे में? कर्नल साहब के बारे में। राम सिंह, कुछ पता चला? अगर मैं ये बता दूं कि करतार और उसकी बीवी दोनों का ही पता नहीं तो मालकिन और माजी दोनों ही बहुत परेशान हो जाएंगे। लास्ट टाइम इट वॉज 45 सेकेंड्स, आज क्या 30 सेकेंड्स।